गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आज का व्लॉग जो है सीधा कैला देवी से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग सुबह 10 बजे निकले थे और इस समय बज रहे हैं 8, तो हमें पूरे 10 घंटे हो गए ट्रैवल करते हुए। हेलो बेबी। तो गाइस, हम लोग नर्सिंग गेस्ट हाउस में ही रुके हैं, आपने मेरे पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा। और गाइस, इस बार का जो व्लॉग है ना, हमारा थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम फुल फैमिली और अपनी न्यू कार से आए हैं। हाय समर भैया। हेलो। तो मैं आपको नए यहाँ पे जो है ना, उन्होंने VVIP रूम्स ओपन कर दिए, यहाँ का मैं आपको टूर दे रही हूँ। मतलब VVIP रूम के नाम पे मतलब बेटर रूम्स हैं कंपेरेटिवली पहले वाले के। तो गाइस, हमने दो रूम लिए हैं, एक हम लोग के लिए और एक मॉम डैड के लिए। तो ये वाला जो रूम है ये हमारा, ये वाला रूम गाइस हमारा है। ये हमने फोर बेड लिया है। एक यहाँ पर दो बेड्स है क्योंकि हम हमारे साथ समझ पे रूम शेयर कर रहे हैं। हेलो। इस तरीके से इन्होंने ये थोड़ा रूम बनाया है, यहाँ पे सोफे वगैरह और एसी वगैरह प्रोवाइड किया है। और ये वॉशरूम है जो कि काफ़ी बेटर है, अभी ये यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जब आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैं आप सबको लेके चलती हूँ मॉम डैड के रूम में। ये है गाइज मॉम डैड का रूम, ये सिंगल रूम है। इस तरीके से और जाकर खा भी खेल रही है। हेलो हेलो पापा। और इसका ऐसा वॉशरूम है थोड़ा बेटर पहले से, और सेम वॉशरूम हमारा भी इस टाइप का ही था। कैला देवी आए हैं 8/11/2024 है, क्योंकि हमारे बेटे ऋषभ ने जागरूक ने समर्थ ने एक गाड़ी ली थी 7-सीटर, और जिनसे एक ही गाड़ी में सब परिवार मिल गया था, सारा परिवार एक ही गाड़ी से कैला देवी आया है। और कैला मैया की जय। क्या धान भी हमारा कुत्ता खाती हुई। दिस इज नेक्स्ट डे गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं एंड अभी हम मंदिर जा रहे हैं। इधर नीचे से हम प्रसाद लेंगे और दर्शन करके फिर कुछ खाएंगे। इसको उसमें जागरूक को और धानवी का बैग लिया है एंड जागरूक को थोड़ा सा कुछ खिलाया क्योंकि वो छोटा है, एंड धानवी को दूध पिलाया है और हम लोग ने अभी तक कुछ खाया नहीं। एंड देखिए कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे भी। यहाँ पे मम्मा ने प्रसाद के लिए छोले पूड़ी ली है, छोले पूड़ी हलवा। एंड ये दानवी का कितना क्यूट ड्रेस है। दिस इज अवर न्यू कार जो हमने 7-सीटर ली है, कैला देवी की कृपा से हमने इतनी बड़ी गाड़ी ले पाए। चलो चलो जो कहना ऐसे करो, देखो बताओ खड़े हो गए ऐसे करो, चलो 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 बोलो कैला मैया की जय। सबसे पहले हमने दिया बाती करीत मंदिर को दिखाते हुए, मंदिर के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है ले जाना, और यहीं तक ही हमारे कैमरे अलाउड हैं, मंदिर के अंदर कैमरे भी अलाउड नहीं हैं। गाइस, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, नए पर्व पे सब लोग मैया के दर्शन लेने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे उनका। वैसे मैंने आपको अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया है, बट जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनके लिए बताती हूँ कि कैला देवी का मतलब होता है कह और ला, मतलब मैया से आप अपने दिल की इच्छा कहिए कि हमारा ये काम पूरा करा दीजिए। उसके बाद मैया कहती है कि अच्छा मैं काम पूरा कराऊंगी तो तू मेरे लिए क्या करेगा, तो आप उनको बोलिए कि हम ये चीज़ ला के देंगे आपको अगर आप मेरा ये काम कराएंगे। तो मैया आपका काम कराती है, उस जैसे ही काम पूरा होता है तो आप वो चीज़ मैया के दरबार में जाके चढ़ाए। तो ये इसका यही अर्थ है, तभी हम बोलते हैं कैला देवी को कैला देवी कह और ला। क्या लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू बेटू, थैंक यू। कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, हम आपके लिए भी कपड़े लाए अच्छे अच्छे। क्या हाँ अभी देंगे, पहले कुछ खा लो उसके बाद देंगे, ठीक है?
अच्छा। मंदिर से आके हमने इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को पेट भर के बहुत अच्छे से भोजन कराया। इनके लिए हम बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट भी लेते वो भी दिए, और जागरण में तो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी। फिर दानी कही थी मम्मा मैं भी दू, मुझे भी कुछ खिला दो। हम लोग इन लोग के लिए इतने सारे कपड़े और वगैरह सब लेकर आए थे, और हम जितने लाते हैं हर बार डबल करके लेकर आते हैं और वो भी कम पड़ जाते हैं। अभी भी लोग मांग रहे हैं कि हमें और दे दीजिए, हमें और दे दीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, छोटा सा कस्बा है, कस्बा कह लीजिए, गांव है, देहात है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन के लिए। आप लोग यहाँ पर आइए, देवी जी के दर्शन करिए, यहाँ पे इन लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और थोड़ी सी जगह ये डेवलप भी होगी, एंड आपकी जो श्रद्धा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसी के साथ गाइस, अपनी श्रद्धा के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आप सबको ये समझाने के लिए कि प्लीज़ आप यहाँ आइए, देवी मैया पे अपने माथा भी टेकिए, अपनी दुख दर्द उन लोगों को बताइए, देवी मैया को बताइए, वो सब हर लेंगी। और यहाँ पे बहुत ज़रूरत है काम की, बहुत ज़रूरत है लोगों को हेल्प की। जितना आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से करिए। बस मैं यही कह सकती हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई लाडो मेरे बाल की तुमने, छोड़ो प्लीज।